सर। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 क्लास 12 बायोलॉजी। इससे पहले हमने कंप्लीट कर चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है। तो सबसे पहले हम उसके डायग्राम के बारे में देखेंगे। एक सेकेंड। बेसिकली ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शनल व्यू है थ्रू पेल्विस रीजन। डायग्राम में मेनली आप देखेंगे डेट इज द क्लाइटोरिस, लेबिया माइनरा, लेबिया मेजरा एंड वेजाइनल ऑफिकल, ये सारे आपके इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। और फीमेल में यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ये दोनों ओपनिंग जो होती है अलग अलग होती है, जबकि मेल में हमने देखा था कि यूरेथ्रल और स्पर्म के बाहर निकलने के लिए एक ही ओपनिंग होती है। नेस्टिंग्स, प्यूबिक सिम्फेसिस, यूनरी ब्लैडर, यूटेरस, सर्वाइक्स, वेजाइना, रेक्टम, एनस, ये सारे सेक्शनल व्यू शो कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पेल्विस रीजन में पाए जाएंगे। और नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे, अगले डायग्राम में, दैट इज द सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दिस डायग्राम वी सी दैट That is one pair of ovary on each sides. Ovary are connected to the uterus with the thin structure. That structure are known as ligaments. Ligaments are attached to the finger shaped like structure and that finger like structure is known as fimbriae. Fimbriae are further connected into the इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम आर कॉमनली नोन एज, ऑल द प्रोसेस आर नोन एज फेलोपियन ट्यूब्स। व्हाट इज इनफंडिबुलम? इनफंडिबुलम इज ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल टू द कलेक्शन ऑफ ओवम बाय द फिम्ब्री। लेटर ऑन एम्पुला डेट इज द वाटर पार्ट and the last part of fallopian tubes, that is the isthmus. Finally, isthmus are open into the uterine cavity, that is the uterine cavity. Further, uterine cavity open into the cervix. Cervix के ठीक बाद आपका cervical canals होगा and last आपका vagina होता है। अगर हम uterus की बात करें तो यूटेरस की जो वाल होती है वो आपकी थ्री लेयर्ड होती है। वन इज पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर इंडोमेट्रियम, ये तीन तरह की ये वाले होती हैं। यहाँ पर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ये है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सी वाल जो होती है यूटेरस की जो डीजनरेट होती है। तो अधिकतर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एट अ टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विच यूटेरस वाल इज डिजनरेट, तो डैट्स आंसर इज नोन एज इंडोमेट्रियम। इफ ओवम इज फर्टिलाइज्ड देन प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस एंड इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन प्रेगनेंसी नॉट टेक्स प्लेस देन इंडोमेट्रियम अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स आर डीजनरेट्स। सो डैट इज द सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Now start with ovary. The female reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of ovary, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia. Oviduct, uterus, vagina, ये सब जो हैं आपके accessory ducts हैं। इसके अलावा a pair of mammary glands पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड जितने भी मैमल्स हैं
जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द यंग वंस। जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स आपके स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं टू द सपोर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। नाउ ओवरी, ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स ओवम एंड मेनी स्टेरॉइड हार्मोन। ओवरी जो है आपका प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि ओवम प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ। ओवरी जो होगा आपका लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड्स में आपके लोकेटेड होते हैं जैसा कि अभी आपको डायग्राम में दिखाया गया था। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, उसकी जो लंबाई होगी लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर होती है और ये पेल्विक वॉल और यूटेरस से जुड़ा होते हैं किसके द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा। ईच ओवरी इज कवर्ड विथ ए थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। जो भी प्रत्येक ओवरी है वो आपकी एक थिन इनवेलप से, थिन एपिथेलियम सेल से कवर्ड होती है और फिर वह कवर करती है आपकी स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा को बेसिकली दो पार्ट्स में, दो जोन में डिवाइड किया गया है। जो आउटर जोन होता है डेट आउटर जोन आर नोन एज पेरिफेरल कार्टेक्स एंड इनर जोन आर नोन एज इनर मेडुला। हियर इन दिस स्लाइड्स वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी वेयर प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर सराउंडिंग लेयर्स डेट द फॉर्मेशन ऑफ ओसाइट्स फर्दर सराउंडेड मेनी लेयर्स डेट द सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स एंड आफ्टर ओव्यूलेशन दिस ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू द कार्पस लुटियम एंड कार्पस लुटियम प्रोड्यूस हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन्स। सो हियर दिस इज टीएस ऑफ ओवरीज डेवलपिंग फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेजेस। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, वह मेच्योर करके आपका ओवम का फॉर्मेशन करता है। वन मेच्योर ओवम अराउंड 14 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो आपका रप्चर्ड होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। आफ्टर रिलीज दिस मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू द कार्पस लुटियम एंड दिस कार्पस लुटियम प्रोड्यूसेस ए हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसेसरी डक्ट्स की, दैट इज द ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स। ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना ये सब मिल करके आपके फीमेल एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ईच फिलोपियन ट्यूब इज लगभग आपके 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होते हैं। आई एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफरी से लेकर के आपके यूटेरस तक फैले होते हैं। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो पार्ट आपके ओवरी के बहुत ही पास होता है वो आपका फनल शेप स्ट्रक्चर होता है एंड डेट फनल शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम। उस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। जो इनफंडिबुलम का एज होगा वहाँ पर आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं एंड डेट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज फिम्ब्री, जिसका काम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जो भी ओवम आपका ओवरी से रिलीज होता है उसको कलेक्ट करता है। इनफंडिबुलम के बाद आपका एक वाइडर पार्ट होता है, डेट वाइडर पार्ट्स आर नोन एज एम्पुला। और जो लास्ट पार्ट होगा आपका ओविडक्ट का उसको हम बोलते हैं इस्थमस, और ये आपका फाइनली यूटेरस में जाकर के ज्वाइन होता है। द यूटेरस इज ए सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड उम्ब। यूटेरस जो होता है आपका सिंगल होगा और इसको हम ये कह सकते हैं क्या, उम्ब। जो शेप होगा यूटेरस का जनरली आपका इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। यह भी सपोर्ट होता है आपका लिगामेंट्स के द्वारा जो कि आपके पेल्विक वॉल से अटैच होता है। यूटेरस फाइनली आपका ओपन होता है वेजाइना में एक नैरो सर्वाइस के थ्रू, और जो कैविटी होगी जैसा कि आपको पहले ही डायग्राम में बता दिया गया, जो भी आपकी सर्वाइस में जो भी आपकी कैविटी होगी डेट आर नोन एज सर्वाइकल कैविटी, और फिर सर्वाइकल कैनाल्स होंगे लेटर ऑन, फिर ये आपके वेजाइना में ओपन होते हैं। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, जो आउटर एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होगा डेट इज द पेरीमेट्रियम, जो मिडिल में आपका थिक मेम्ब्रेन होगा डेट इज द
मायोमेट्रियम और इनर जो आपके ग्लैंडुलर लेयर होते हैं डेट इज द इंडोमेट्रियम. द इंडोमेट्रियम अंडरगोस साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. जो इंडोमेट्रियम होगी, अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है उसमें जो भी परिवर्तन होगा तो वही आपकी इंडोमेट्रियम जो वाल होती है वो आपकी डिजनरेट करती है. और जो मायोमेट्रियम होगा एट द टाइम ऑफ पार्टोरेशन, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, उस मायोमेट्रियम वाल का क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है. नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस. अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या है. मांस प्यूबिस, ये आपका कुशन होता है फैटी टिश्यू का जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है. लेबिया मेजरा जो होते हैं आपके फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के जो कि आपके एक्सटेंड करते हैं डाउन फ्रॉम द मांस प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग. जो भी मांस प्यूबिस होगा उसके नीचे की तरफ और जो आपके वेजाइनल ओपनिंग होते हैं उसके सराउंडिंग होता है. द लेबिया माइनरा, ये भी आपके पेयर्ड फोल्ड होते हैं टिश्यू के अंडर द लेबिया मेजरा. जो भी ओपनिंग होगा वेजाइना का ये ऑफन प्रायः कवर्ड होता है पार्शली एक मेम्ब्रेन से, डैट मेम्ब्रेन आर नोन एज हाइमेन. जो भी ओपनिंग होगी वेजाइना की वह आपकी एक पार्शली मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमेन. फिर हम बात करेंगे क्लाइटोरिस की. क्लाइटोरिस भी एक आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका अपर जंक्शन, मतलब दो आपके जो भी लेबिया माइनरा हैं एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ पर पाया जाता है. द हाइमेन ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, यानी जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उस समय आपका हाइमेन क्या होता है, आपका फट जाता है. हाउएवर, जबकि इट कैन आल्सो बी ब्रोकन, कभी कभी यह भी एट अ सडन फॉल या साइकिलिंग या जो भी और भी एथलेटिक वर्स है इन सब के द्वारा भी हाइमेंस के ब्रेक हो जाते हैं. इन सम वोमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वार्टर्स, कुछ वोमेन में ऐसा जनरली होता है प्राय या रेयर होता है कि आफ्टर इंटरकोर्स भी आपका हाइमेन प्रेजेंट होता है. यानी हम कह सकते हैं इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ और ऑब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. मतलब हाइमेन के प्रेजेंस या ऑब्सेंस से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह फीमेल आपकी वर्जिनिटी है कि नहीं है. लेटर ऑन डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेमोरी ग्लैंड्स. ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मैमल्स, जितने भी आपके मैमल्स हैं उन सारे मैमल्स में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि आपका मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है. मेमोरी ग्लैंड्स जो होंगे आपके पेयर्ड में होते हैं डेट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट्स. फैट्स होंगे और बहुत सारे आपके ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं. जो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा ऑफ ईच ब्रेस्ट वह डिवाइड होता है लगभग 15 to 20 आपके मेमोरी लोब से. उसमें आपके क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, डेट क्लस्टर ऑफ सेल्स आर नोन एज एलोविलाई. उस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं एलोविलाई. जो सेल्स होंगी एलोविलाई की, वह सेल्स जो होंगी एलोविलाई की वह सिक्रीट करते हैं आपके मिल्क जो कि स्टोर होता है आपका एक कैविटी में, एलोविलाई की कैविटी में आपका स्टोर्स होता है. फाइनली जो एलोविलाई होंगे ये आपके ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्स में, या जिसको हम बोल सकते हैं मेमोरी ट्यूब्स जो होंगे ये मेमोरी ट्यूब्स आपके ज्वाइंट होते हैं किसमें, मेमोरी डक्ट में. कई सारे मेमोरी डक्ट्स फिर फर्दर आपके ज्वाइंट होते हैं एम्पुला में, और विच इज कनेक्ट, जो एम्पुला होगा वह फाइनली आपका कलेक्टेड होता है किससे, लैक्टेरी फेरस डक्ट के थ्रू, जिसके थ्रू मिल्क जो होता है आपका सक्ड आउट होता है. इस तरह से हम बात किए वेजिटेटिव, हमने बात किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. ओके, थैंक यू.